हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सचिन राठौर और इस वक्त मैं हूं चामुंडा माता के मंदिर गुडरूगढ़ में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की डंडी तेलका वैली में 1300 मीटर की हाइट पर बसा हुआ काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, जहां से डिस्ट्रिक्ट चंबा का और जम्मू का पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है। और आज मेरे साथ मिस्टर रंजीत पहली बार ट्रैक पे आए हैं। तो गुडरूगढ़ टेम्पल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा लचोड़ी विलेज, और वहां से 10 से 15 किलोमीटर के बीच में पड़ता है करवाल विलेज, जहां से आपकी ऑफ रोडिंग शुरू होती है, जो कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के बीच में है। और आप पहुंच जाते हो जगोट विलेज, जहाँ से आपकी हाइक शुरू होती है। और जगह के बारे में मैं थोड़ी सी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लचोड़ी से करवाल पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता वाया सेरी विलेज होके जाता है और दूसरा रास्ता वाया अथेड विलेज होके जाता है, और आज हम वाया अथेड विलेज होके जा रहे हैं। करवाल पहुंचने के बाद आपने जगोट के लिए लिंक रोड लेना है, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर का है। इस समय हम पहुंच गए हैं जगोट विलेज में, और यहां पर बाइक पार करने के बाद हमारी गुदरूगढ़ के लिए हाइक शुरू हो रही है। गुदरूगढ़ पहुंचने से पहले यहां पर एक काफी बड़ी मेडो है, जो कि काफी खूबसूरत है और कैंपिंग के लिए सूटेबल प्लेस है। तो 1.25 घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं गुदरूगढ़, और ये है चामुंडा माता का मंदिर। सामने वाली माउंटेन्स जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, और इस माउंटेन रिज लाइन के राइट तरफ डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है। इस जगह का नाम है खैरी, और यहाँ पर जम्मू से निकलने वाली सेवा रिवर चंबा की रावी रिवर में जाके मिल जाती है, और यहाँ से रावी रिवर पंजाब में प्रवेश करती है और आगे चल के रणजीत सागर डैम में जाके मिल जाती है। ये एक राजा के समय का छोटा सा मंदिर है। और ये यहाँ पर एक बसेरा है, जहां पर खाना बनाने की और रहने की व्यवस्था है। और यहाँ पर था राजा का वो गढ़, जहां से राजा जम्मू की बसोहली रियासत पर नजर रखता था।
और गढ़ के कुछ अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिले। गुडरूगढ़ चंबा और जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र पर एक चोटीनुमा पहाड़ है जहां से पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है। राजवाड़ा काल में चंबा के राजा ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरी रियासत पर नजर रखने के लिए जगह जगह किले बनाए हुए थे जिन्हें हम गढ़ भी बोलते हैं, और ये किले उन जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ से राजा आसानी से चारों दिशाओं में देख सकता था। इस माउंटेन रिज लाइन में काफी सारे खंडहर हैं जिसमें राजा के किले हुआ करते थे, और जिनमें से सबसे बड़ा किला था पृथ्वीजोत, जिसे आज हम गढ़ माता स्थान के नाम से जानते हैं, जो कि इस माउंटेन में है। तो यहाँ पर भी किला होने के कारण इस जगह को गुडरूगढ़ बोलते हैं। और आज हमें जगोट विलेज से लेकर गुडरूगढ़ टेंपल तक 1.25 घंटा लगा, और उसके बाद आप पहुंच जाते हो गुडरूगढ़ टेंपल, जो कि काफी ब्यूटीफुल जगह है जहां से कंप्लीट 360 व्यू देखने को मिलता है। कैंपिंग के लिए भी काफी सूटेबल प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल जगह में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टाटा एंड बाय।